सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। मुर्दाबाद। शरम करो। महामानव का अपमान करने वाले जितेंद्र आवाड़ का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले जितेंद्र आवाड़ का धिक्कार हो, 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 धिक्कार हो। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करने वाले जितेंद्र आवाड़ का। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आहवाड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जितेंद्र आहवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर को फाड़ने को लेकर यह सब शुरू हुआ है, जहां आज 30 मई को उल्लासनगर शहर में भी बीजेपी की तरफ से पार्टी कार्यालय से आमदार कुमार ऐलानी के जनसंपर्क कार्यालय तक पैदल चलते जितेंद्र आहवाड़ के खिलाफ घोषणाबाजी की गई। और बाद में बीजेपी उल्लासनगर शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और उनके कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आहवाड़ की तस्वीर पर जूते मारे और जितेंद्र आहवाड़ का पुतला भी जलाने की कोशिश की गई, पर वहां मौजूद पुलिस ने ऐसा करने से उनको रोका और पुतले को कब्जे में ले लिया। देखिए, भारत रत्न संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह से एक घमंडी पूर्व मंत्री जितेंद्र आहवाड़ ने जिस तरह से अपमान किया है बाबा साहब अंबेडकर का, वह पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कभी इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। आज यहाँ पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और पूरे देश में इस बात का रोष है कि समय समय पर यह मंत्री हर समाज को दुखाने का काम करता है। पिछली बार जब उल्लासनगर में आया था तो उसने सिंधी समाज के प्रति अपशब्द कहे थे, उसके पहले प्रभु रामचंद्र के प्रति उसने अपशब्द कहे थे। मुझे लगता है यह जितेंद्र आहवाड़ मानसिक रूप से बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है, और मैं उनके नेताओं से कहूंगा कि अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी उसका मानसिक इलाज करने के लिए तैयार है, उसको तुरंत प्रभाव से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर उसका इलाज करने के लिए हम तैयार हैं। इसी आधार पर अगर निरंतर इस तरह का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे आएंगे और महामानव का
अपमान सहन नहीं करेंगे। आपके इस आंदोलन में आपने हालांकि आमदार कार्यालय के बाहर किया, लेकिन आमदार आपके साथ नहीं। ऐसे कैसे बोल सकते हो आमदार, अभी तो हमारे साथ ही था। जरा देखिए कैमरा फिराइए, कहीं इधर इधर होंगे, हमारे पास तो नहीं है अभी जो आपने। हाँ तो कोई देखिए, आजकल बहुत व्यस्त समाज है, कहीं फोन आ गई होगी, कोने में किससे बात कर रहे होंगे, हमारे साथ ही थे आमदार। महामानव मानले जाणारे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांचा मॅगझिनवरील फोटो फाडून जितेंद्र आव्हाड यांनी आमच्या भारतीय संविधानच नाही तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा घोर अपमान केलेला आहे। याबाबत आम्ही उल्हासनगर ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी याचा निषेध करतो। जितेंद्र आव्हाड। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।